जे एडवांस इज इक्वल टू पाव भाजी, ये अचानक से मेरे मन में थॉट क्या आया, या फिर पहले मैं बता दूं ये कोई भी क्लिक बेट वीडियो नहीं है, जो है वो है, इसको मैं नॉर्मल एक एनालॉजी से समझाऊंगा जो कि रियल लाइफ में तुम लोग ने बहुत बार फेस करी होगी या फिर शायद तुमने खुद भी देखा हो अपने सामने होते हो। ठीक है, तो अपन नॉर्मल एनालॉजी से इस बात को समझेंगे और बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो देखो, तुमने बहुत बार ऐसी सिचुएशन टैकल करी होगी जहां पे तुम लोग ने दूसरे स्टूडेंट्स को अपने जेई कोचिंग में, चाहे तुम 11th के हो चाहे 12th के, सुना होगा कि सर आप हमें सीधा टफ क्वेश्चंस करवाओ क्योंकि आसान तो हम लोग क्या खुद ही कर लेंगे, तो आप सीधा हमें टफ क्वेश्चंस करो, मतलब जेई एडवांस वाले करो, आसान तो हम लोग कर ही लेंगे। या फिर तुम लोग ने शायद खुद भी बोला हो सर से कि सर मेंस वाले क्वेश्चन तो आप रहने दो, आप मतलब हमसे बन जाएंगे, आप रहने दो, आप हमें सीधा टफ वाले क्वेश्चन बताओ। मैं इसको बहुत ही नॉर्मल एक एनालॉजी से समझाता हूँ, पाव भाजी की। ठीक है, पाव भाजी क्या है? पाव भाजी सबको पता है एक डिश है जो कि अब डेफिनेटली तुम लोग जब अपनी मम्मी से पूछोगे भाजी कैसे बनाते हैं, जो उसकी पाव की भाजी रहती है, डेफिनेटली उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं उसको बनाने के लिए, मतलब टू बी ऑनेस्ट इतना आसान नहीं होता एक बिगिनर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक केस अज्यूम करते हैं। पहला केस क्या, एक अपन का बंदा है, उसको भाई भाजी बनानी है, बट यार उसको भी खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसने क्या करा, बट उसको भाजी बनानी भी और वो भी खुद से बनानी है, तो उसने क्या करा, उसने रेसिपी रट ली। रेसिपी कैसे रट ली, उसने ऐसे सोचा कि यार तीन बंदों की भाजी बनानी है, तो अपन नेट से पूरी रेसिपी रट लेते कैसे, कि भाई इतने चम्मच नमक डालने, इतने भैया आलू सब्जी ये जितनी भी अपन को डालनी है, प्याज वगैरह जितनी भी और जितने भी मसाले हैं, उसको कुछ पता नहीं है, मतलब उसको ये नहीं पता है कि यार इस मसाले का क्या काम है और उसका क्या काम है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर तीन लोग की जगह छह लोगों की बनानी है तो कैसे बनानी है। बस उसने तो भाई रट लिया कि भाई तीन लोगों के लिए अगर मुझे भाजी बनानी है तो कैसे बनानी है। ठीक है, उसने भाजी बना ली, भाजी अच्छी भी बनी, तो कंक्लूजन यहाँ पे निकलता है, क्या उसको खाना बनाना आता नहीं, उसको खाना बनाना नहीं आता, उसको पाव भाजी बनानी आती है। मतलब खाना बनाना इन द सेंस कि उसको क्या बहुत सारी डिशेस बनानी आती क्या, या फिर क्या उसको एक जनरल आइडिया है कि यार ये वाली डिश कैसे बनती है, या फिर इस मसाले को अपन कब डालते हैं, नहीं। ठीक है, तुम यहां से ये वाली सिचुएशन याद करके रखना और अपन चलते हैं दूसरे सिचुएशन पर। एक अपन का नॉर्मल सा वो 11th या 12th का अपन का बच्चा है, उसके अभी इतने सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बट उसको उसने सोचा कि यार हमने तो यार ऐसा सुना है कि हम सीधा टफ क्वेश्चंस करेंगे तो आसान क्वेश्चंस तो बन ही जाता, तो भाई अपन का सीधा पूछा जेई एडवांस का क्वेश्चन उसने लिया, एक उसने दिया। ठीक है, अब उसको कुछ थिंकिंग नहीं पता है कि यार यहाँ से यार ये वाला वेरिएबल कैसे डिराइव होगा, क्योंकि तुम लोग को पता है कि जेई एडवांस में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इंटरलिंक डालते हैं, इंटरलिंक मतलब बहुत सारे चैप्टर से इंटरलिंक डालते हैं। फॉर एग्जांपल अपन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन अपन का मैग्नेटिज्म से भी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत बार तुम लोग ने देखा है मैकेनिक्स भी लग जाता है, ना मतलब इंटरकनेक्टेड होता है, तो बेसिकली उसके सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं, मतलब ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं, ना ही अपन के मैग्नेटिज्म के हैं, ना ही अपन के मैकेनिक्स के हैं, कुछ भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बट उसने सोचा नहीं यार मुझे यहाँ से ये वाला क्वेश्चन तो उखाड़ना है, तो उसने क्या करा, उसने ऐसे सोल्यूशन देखा या फिर अपने टीचर से मदद या फिर अपने दोस्त से मदद ली, उसने क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिया। तो क्या अपन यहां से ये बोलेंगे कि उसको उससे जे एडवांस के क्वेश्चंस बन जाएंगे, नहीं, उसको केवल वो वाला क्वेश्चन बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे सारे क्वेश्चंस या फिर उससे जे एडवांस के क्वेश्चंस बनने लग गए या फिर उसकी थिंकिंग डेवलप हो गई। कई वाली बात समझ में आ रही, खाने वाले रिलेशन से जैसे अपन पाव भाजी में, उसको अभी तक जनरल सेंस थोड़ी ना हुआ है खाना कैसे बनाते हैं, उसने तो भैया बस रेसिपी रट ली, वैसे ही अपन का यहाँ पे दिक्कत आती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिना कंसेप्ट क्लियर करें कि भाई ज्यादा अगर हम सीधा टफ क्वेश्चंस पे कूदेंगे तो हमसे बन जाएगा। मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, मेरे खुद की कोचिंग में यहाँ से ही हुआ था, जब मैं शायद 11th में था, हम लोग की केमिस्ट्री की क्लास खत्म हो गई थी, बाद में कुछ डाउट सेशन चल रहा था, तो एक बच्चा बोल रहा था कि सर आप टफ क्वेश्चन ही करो, तो मैंने सर से बोला कि नहीं सर अगर आप आसान क्वेश्चन कराओगे तो मतलब फिर प्रैक्टिस होते होते टफ तो बनी जाएंगे, क्योंकि बेसिकली अगर अपन के कंसेप्ट क्लियर हो गए फिर तो बनी जाएंगे। तो सारे बच्चे हंसने लग गए मुझ पर, उन्होंने बोला कि भाई तू उल्टा बोल रहा है, अगर टफ क्वेश्चन कर लिए तो आसान तो बनी जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं वही बस एक रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसे ये देखूँ ना कि जब तक तुम्हारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है हर एक चैप्टर के, तुम्हारा क्या मतलब है फालतू का एक टफ क्वेश्चन उठाने का। टफ क्वेश्चन उठाओ, बिल्कुल उठाओ, बट कब, जब तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो। इसलिए मैंने बोला कि वो जेई का एडवांस का क्वेश्चन एक पाव भाजी की तरह होता है, तुम्हें इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स लगते हैं, तो तुम्हें बेसिकली एक सेंस होना चाहिए, मतलब एक तुम्हारी थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। मतलब ठीक है, तुमने यार कुछ ना कुछ पूछ पाछ के तुमने वो क्वेश्चन तो कर लिया, बट क्या तुम्हारी वो थिंकिंग डेवलप हुई,
नहीं, तुम्हारी थिंकिंग डेवलप कहां से होगी यार यहां से, क्योंकि तुमने तो यार तुमने सोचा ही नहीं, तुमने ऐसे यार ये सोचा ही नहीं कि अच्छा मैकेनिक से अगर मैं यहां से यार ये वाला ब्लॉक इस वेलोसिटी से निकल रहा है तो मुझे वो वाली वेलोसिटी की वैल्यू इसमें पुट करनी है और इसकी अगर मैं मिरर के अलोंग इमेज लूंगा तो उसकी ये कुछ वेलोसिटी आएगी और उसको मैं आगे सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या तुम ऐसा सोच पाए? मतलब एक एक नॉर्मल क्वेश्चन में बता रहा हूं, एग्जांपल बता रहा हूं, क्या तुम ये पूरा सोच पाए? नहीं, तुमने तो यार सीधा पूछा और ये कर लिया, तुमसे एडवांस का क्वेश्चन बन गया, तुम खुश भी होगा। बट यहाँ पे वही वाला ट्विस्ट आ जाता है, अपन को खुश नहीं होना, अपन को बेसिकली अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है। जैसे अपन को पाव भाजी के केस में अपन को सारी डिशेस पहले बनानी सीखनी चाहिए, या फिर अपन को एक जनरल सेंस होना चाहिए कि अच्छा यार यहाँ से अगर भिंडी बनानी है तो मुझे ये मसाला लगता है, अगर मुझे आलू बनाना है, पनीर बनाना है तो मुझे ये मसाला लगता है। वैसे ही तुम्हें यहाँ पे पहले मेंस के क्वेश्चन की तैयारी होनी चाहिए कि अच्छा यार यहाँ से पहले अपन को अच्छा फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है तो इसको मैं सीधा ऐसे सब्स्टिट्यूट करूंगा ये आ जाएगा। एडवांस का क्वेश्चन बेसिकली होता क्या है, एडवांस का क्वेश्चन ये होता है कि यार बहुत सारे मेंस को क्वेश्चन को मिक्स करके वो एक क्वेश्चन बनाते हैं। वो बोल देंगे कि यार यहाँ से तुम मैकेनिक्स का यूज करके कुछ वेलोसिटी निकालो, इस वेलोसिटी से एक ब्लॉक मूव कर रहा है, यहाँ पे एक मिरर है, मिरर एक इंक्लाइंड प्लेन पे, अब मिरर एक इंक्लाइंड प्लेन पे तो डेफिनेटली उसकी वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी और एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल किसी को मैकेनिक्स नहीं आता तो वो तो यहाँ से यार यही समझेगा ना कि ये तो क्वेश्चन नहीं बन रहा। नहीं, कितना आसान है, पहले तो मैकेनिक्स से उस वेलोसिटी निकालो। अब वापस से ट्विस्ट आ जाता है, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि भैया वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं तो तुम्हें यहाँ से ये कैसे बनने वाला, तो फिर तो बच्चे को यही लगेगा ना कि यार क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन टफ नहीं है, बट तुम्हें छोटे छोटे कंसेप्ट पता होने चाहिए। वैसे ही पाव भाजी के उसमें भी अगर तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें पता है ना कि अच्छा यहाँ से ये वाले मसाले का ये यूज़ है, ये वाले मसाले का ये यूज़ है, तो तुम्हें पता रहेगा कि अच्छा पाव भाजी का बेसिकली ये टेस्ट होता है तो मैं उसको आराम से बना दूंगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? नॉर्मल सी एक एनालॉजी से मैंने कोशिश करी इसको समझाने का, तो आई गेस तुम लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताना, या फिर अगर तुम लोग ने अपने आसपास के दोस्तों को भी ऐसा देखा होगा करते हुए या फिर तुमने खुद भी करा होगा तो डेफिनेटली इसको शेयर करना ताकि उनको भी पता चले, है ना। मैं बिल्कुल भी यहाँ से तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि टफ क्वेश्चन नहीं करो, नहीं बिल्कुल करने अपन को, टफ क्वेश्चन ही तो करने हैं, बट उसके पहले अपन को सारे कंसेप्ट आने चाहिए। ठीक है, इन शॉर्ट पाव भाजी बनाने से पहले अपन को ये सीखना चाहिए कि छोटी छोटी अपन की जो दूसरी डिशेज है वो कैसे बनती है, ताकि अपन को बेसिकली एक स्वाद आ जाए, अपन को एक थिंकिंग डेवलप हो जाए कि अच्छा यार यहाँ से ये चीज़ ऐसे बनती है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।